प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया, जहां जहां हिंदू होगा वहां वहां राम होगा। माहौल उत्सव बहुत ही भव्य है, अयोध्या सज रही है, सजाई जा रही है, क्या कहेंगे? अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि साक्षात हम सभी लोग अत्यंत सौभाग्य लोग हैं कि इस आंकों को ऐसा सौभाग्य मिल रहे कि श्री रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि में मंदिर बन रहे हैं, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। ये देखने के लिए सौभाग्य मिला ना हम सभी लोगों को, जीव लोगों को, ये सौभाग्य की बात ही है। और इससे भी अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सामान्य मनुष्य लोगों को इतना आनंद मिल रही है, तो रामचंद्र भगवान के अनन्य भक्त साक्षात हनुमान जी, हनुमान जी अपना जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा से आकर अपने प्रभु की मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम देख रहे हैं। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। राम जन्मभूमि अयोध्या, किष्किंधा जन हनुमत जन्मभूमि, साक्षात हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। न केवल ये सही, हनुमान जी के लिए भी संकट मोचन है। जहां जहां हनुमान जी आता है सारी संकट सारी समस्या निवारण होकर एकदम बढ़िया आता है, वैभव कार्य होता है। ऐसे ही जो भी समस्या आया, तो जो भी कुछ जानबूझकर स्टेटमेंट दिया, तो भी कोई कोई कमी हुआ, तो भी सारी कमियों को शास्त्र विधि विधान से कराने के लिए, अपना प्रभु की मंदिर को भव्य बनाने के लिए हनुमान जी खड़े हो गया। और इसके साथ साथ हनुमत जन्मभूमि में हनुमान जी के लिए बनने वाले मंदिर निर्माण की शिला पूजन भूमि पूजन में सारे अयोध्या वासी लोगों को, सारी जनता लोगों को, किष्किंधा भी हम स्वागत कर रहे हैं। ये जो रथ देख रहे हैं, संपूर्ण भारत देश 12 साल हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा चल रही है, ये तीसरा वर्ष हो रही है। महाराज जी, लगभग ये जो रथ है लगभग कितने दिनों में तैयार हुआ है? और आप ये रथ बनाने के लिए 6 महीने लगा, अभी 3 वर्ष यात्रा हुआ, अभी नेपाल भी गया, सीता जन्मभूमि सीतामणि भी गया, वहाँ कश्मीर भी गया, सब जगहों में संचार करते करते यहाँ आया। ये 12 साल तक रथ यात्रा है, 12 साल में किष्किंधा में मंदिर संपूर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट की परियोजना है। महाराज जी, रथ को 12 साल आप भ्रमण करा रहे हैं, भारत भ्रमण करा रहे हैं, अभी जैसा आपने बताया कि नेपाल गए, कश्मीर गए, क्या उद्देश्य है कि 12 साल ही भ्रमण? अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, राम भक्ति प्रचार, हनुमान जी का यही काम है। जो भी समस्या है सारी निवारण करने के लिए कश्मीर गया, सारी वहां नवरात्रि शुरू करा दी, लाल चौक में हनुमान चालीस पाठ हुआ, उद्घोषणा होगी कि सारी मूल निवासी लोग कश्मीर आ जाइए, एक रास्ता बन गया। तो हमारे साथ ये महाराज जी, आपको हम जो ये रथ है उस रथ को दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रथ जो है बनाया गया है। इस रथ को लगातार 12 वर्ष भारत भ्रमण कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रथ को बनाया गया है। इसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई है, वो आज शाम 5 से 7 बजे के बीच में खोल के दर्शकों को दिखाई जाएगी, और दर्शन हनुमान जी स्वयं देंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस रथ को पूरे तरीके से बहुत बारीक से दिखाएं कि इस रथ को किस तरीके से, किस बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अभी पूरा रथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ अयोध्या वासी मौजूद हैं, कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं अयोध्या में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या सज रही है, अयोध्या में उत्सव का माहौल है, राम आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम हम लोग के हृदय में हैं, राम जी तो हम लोग के हृदय में पहले से वास कर रहे हैं। हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत उत्साह में है, जहां जहां सनातनी है, देश विदेश में एक उत्साह का माहौल है। एक नया त्योहार जो है 22 जनवरी को मनाया जाएगा। हर हिंदू हर सनातनी है, जहाँ जहाँ है, अपनी अपनी तरह से खुशियों से वो त्योहार मनाएगा। इस सबकी पूरे देशवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा स्वागत करेंगे राम जी का? इस विषय में तो हम अपने मन से आपको बयां ही नहीं कर सकते, मन इतना प्रफुल्लित है कि हम कह नहीं सकते, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। स्वागत प्रारंभ है हमारे समाज में। हम लोग लगातार जितने हमारे सिंधी समाज के मंदिर हैं उनकी सजावट हो रही है, वहाँ डेली भोजन वितरण हो रहा है, वहाँ पर आराधनाएं हो रही है, वहाँ पर प्रार्थनाएं हो रही है, वहाँ पर सत्संग हो रहा है, और नौजवान पीढ़ी के लिए हम लोग प्रतियोगिताएं तमाम आयोजित कर रहे हैं राम जी के नाम को लेकर के। और आज भी हम लोगों ने एक जगह पर रामचरितमानस का पाठ रखा हुआ है,
फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ रखा हुआ, यानी निरंतर हम लोग राम में मग्न है, निमग्न है, आह्लादित है, आनंदित है, और उसके शब्द नहीं हम लोगों के पास। और आप जो आज यहाँ खड़े हैं, ये सरयू का किनारा है जहाँ पैदा हुए श्री राम, धन्य हो गई अयोध्या धाम, यही पैजन बजी प्रभु की और यही गुरु शीश नवाया है, यही सरयू का किनारा है। दिया था भाइयों को मान, स्वयं से भी अधिक सम्मान, व्यवस्था दी थी धरती को, सभी मिल रहे एक समान, प्रभु ने बन के मानव भी राम बन भव से तारा है, यही सरयू का किनारा है, यही सरयू का किनारा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रामायण के किसी पात्र से हम थोड़ा भी अंश लेते हैं परिवार के लोग, तो हर घर में शांति, सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि, सभी कुछ रहने वाली है। और अगर हम इन जैसे जिनके सपनों में लोग आते हैं, इन लोगों की बात को सुनेंगे, तो सिवाय मूर्खता के और सिवाय अराजकता के घर में कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको रामायण चाहिए तो राम जी के चरित्र को अपनाना होगा। राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम लला अपने घर में विराजने जा रहे हैं, 550 साल का सपना पूरा होने जा रहा है, अयोध्या राममय है, भगवा से रंगी गई है अयोध्या, क्या कहेंगे? 500 साल से आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है। सच ये है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कितने संघर्ष किए होंगे, ये तो आप हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके हम साक्षात नाम क्या है दर्शन करेंगे। अब हम ही क्यों, पूरा देश करेगा, सीधा प्रसारण होने जा रहा है। आप जैसे न जाने कितने पत्रकार, हजारों पत्रकार संग होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, दुनिया के किसी कोने में सजीव प्रसारण नहीं होगा, जहां जहां हिंदू होगा वहां वहां राम होगा। राम जी हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारी आस्था में है। हम लोगों ने इस प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था, हम लोग तब से प्रभु राम की सेवा में निरंतर समय समय पर लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। ये सरयू का किनारा है, सब आनंदित है, हर तरफ आनंद का माहौल है, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना कहूंगा, एक बार दिल से बोलो प्रभु श्राम चंद्र भगवान की जय। जहां जहां हिंदू रहेगा वहां वहां राम बसेंगे। हमारे साथ एक महान भाव और हैं जो कि राम भक्त हैं। आप देख सकते हैं श्री राम का, इन्होंने राम नामी अपने ऊपर डाला हुआ है, राम भक्त हैं, क्या कहना चाहेंगे प्राण प्रतिष्ठा को लेके? जिस तरह गूंगे को गुड़ खिला दीजिए, उससे पूछिए उसका स्वाद कैसा है, वो बयां नहीं कर सकता है, सिर्फ मुश्क सकता है। उसी तरह हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोग बयां नहीं कर सकते कि राम मंदिर बन रहा है, राम प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, उसको बयां नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। जय जय श्री राम। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और भी लोगों को मिलाएंगे जो अयोध्या वासी हैं, राम नगरी वासी हैं, उनसे।